रूथलेस एग्रेशन सीरीज में अभी तक हमने 4 एपिसोड्स कवर करे हैं और काफी सारी इन्फॉर्मेशन हमें जानने को मिली कि आखिर मंडे नाइट वॉर्स खत्म होने के बाद WWE ने किस तरीके से अपनी अगली एरा के अंदर ट्रांजिशन करा, आखिर क्यों वो एरा जरूरी थी और कौन उसका फेस बना, क्या उसमें इंपॉर्टेंट फैक्शंस थी। लेकिन आज के इस एपिसोड नंबर 5 में, जो कि शायद होने वाला है आखिरी एपिसोड इस सीरीज का, इसमें हम बात करेंगे एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज की जो कि पूरी एरा के अंदर शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और ये है गाइस कि आखिर कैसे WWE ने अपनी कंपनी के अंदर ही एक वॉर क्रिएट करी और उसी मॉडल पे वो आज तक सर्वाइव कर रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रॉ वर्सेस स्मैकडाउन की एक ब्रांड स्प्लिट की, आखिर क्यों वो हुआ, क्या उसकी जरूरत थी और क्या उससे WWE को बेनिफिट हुए, आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, जो लाइक का गोल है हमारा हमेशा की तरह रहेगा 2000 का, फटाफट से आपको लाइक बटन दबा देना है और गाइस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका एक बार फिर से रूथलेस एग्रेशन सीरीज के एपिसोड नंबर 5 में, जिसका नाम है सिविल वॉर रॉ वर्सेस स्मैकडाउन। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन अगर आप ये सीरीज में नए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आपको पहले जाके एपिसोड नंबर 1 से 4 तक देखने जरूरी है, क्योंकि आपको स्टोरी थोड़ी समझ आएगी, उसके बाद ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको मजा आएगा। लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि साल 2002 में WCW खत्म हो चुकी थी, क्योंकि विंस मैकमैन ने उस कंपनी को परचेज कर लिया था और रेसलिंग बिजनेस की अनडिस्प्यूटेड किंग अब वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट बन चुकी थी और लोग फाइनली अपने ड्रीम मैचेस देख पा रहे थे, जैसे कि रॉक वर्सेस हल्क होगन, अंडरटेकर वर्सेस रिक फ्लेयर, और WWE अपने ऑल टाइम अटेंडेंस रिकॉर्ड्स को भी ब्रेक करे जा रही थी और काफी अच्छा प्रोग्रेशन चल रहा था यहाँ पे इस कंपनी का। लेकिन मंडे नाइट वॉर्स के टाइम पे जो आग थी, जिसकी वजह से WWE और WCW के फैंस हर हफ्ते ट्यून इन होते थे दोनों शोज को देखने के लिए, अब वो चीज मिसिंग हो गई थी। और ब्रूस प्रिचर्ड यहाँ पे कहते हैं कि भाई देखो, हर हफ्ते हमें 2 शोज बनाने पड़ते थे रॉ और स्मैकडाउन के, कुछ नया सोचना पड़ता था, और क्योंकि ये 2 अलग अलग नेटवर्क्स के ऊपर थे, हर बार हमें स्मैकडाउन पे बताना पड़ता था कि रॉ में क्या हुआ और रॉ पे बताना पड़ता था स्मैकडाउन में क्या हुआ, और उस समय बेसिकली दोनों शोज पे सेम टैलेंट अपीयर हो रहा था, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थी। और पॉल एमन यहाँ पे कहते हैं, हमें सिखाया जाता है कि चेस जब तुम सीखते हो तो पूरे बोर्ड की तरफ देखा करो, इंडिविजुअल पोजीशंस को मत देखा करो। और इसी तरीके से वो कहते हैं कि हम स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट को जब बुक करते हैं तो उसको हम फ्यूचर के लिए बुक नहीं कर सकते, हमें ये देखना होता है कि अभी मेरे पास बेस्ट सिचुएशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग मैं आगे क्या बेस्ट कर सकता हूँ, वो मेन चीज़ है। और JBL बताते हैं कि उस समय जो WWE का रोस्टर था, पॉसिबली ग्रेटेस्ट रोस्टर था एक ही टाइम पे, इतने सारे सुपरस्टार्स थे और अंडर कार्ड, मिड कार्ड, मेन कार्ड सारे तरफ जो है वो पूरे तरीके से स्टैक था, लेकिन इतने सारे लोग होने की वजह से एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी जो कि WWE ने आज से पहले कभी फेस नहीं करी थी, क्योंकि इतने सारे लोग तो हैं तुम्हारे पास लेकिन सबको मौका कैसे दिया जाएगा इंप्रूव होने का, टीवी टाइम कहाँ से लाओगे। और मैट हार्डी और क्रिश्चियन यहाँ पे बात करते हैं कि वो उस समय बहुत हंग्री थे, उनको चाहिए था एक मौका लेकिन टाइम नहीं था, तो बहुत सारे सुपरस्टार जो थे वो इस बात से खफा थे कि क्या हमें कभी टाइम मिल भी पाएगा, और कुछ सुपरस्टार्स खुश थे जिनको टाइम मिल रहा था और उनको अच्छा लग रहा था कि हाँ भाई बाकियों को मौका नहीं मिल रहा तो उससे हमारा क्या। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए WWE ने गाइस फाइनली सोचा कि जो हमारे 2 प्राइम टाइम शोज हैं, यानी कि रॉ और स्मैकडाउन, इन दोनों को हम इम्प्रूव करेंगे और उसका एक ही सोल्यूशन है, टू गो अहेड विद अ ब्रांड स्प्लिट। और WWE ने अपनी सबसे पहली ब्रांड एक्सटेंशन को प्लान करा और रॉ मार्च 25, 2002 को विंस मैकमैन, जिस समय स्मैकडाउन के कंट्रोल में थे, उन्होंने अपनी पहली पिक में चुना द रॉक को, और रिक फ्लेयर जो कि उस समय रॉक के कंट्रोल में थे, उन्होंने चुना गाइस अंडरटेकर को। और WWE यूनिवर्स यहाँ पे एक ऐसी चीज देख रही थी जो आज से पहले कभी हुआ नहीं था। और पॉल हेमन कहते हैं कि ब्रांड स्प्लिट करने का मेन रीजन यह था कि हम एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बना सके अपनी कंपनी में, और स्मैकडाउन के स्टार्स एक्चुअली में चाहते थे कि हम मंडे नाइट रॉ को बीट करें, और वाइस वर्सा भी ये सेम चीज काम करती थी, और बेसिकली WWE ओवरऑल अपना प्रोडक्ट इंप्रूव कर पाए, इस वजह से ब्रांड स्प्लिट को करा गया था। अब एडम कोल यहाँ पे कहते हैं कि उस समय वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे देखने के लिए कि ये चीज कैसे काम करेगी, क्या ये सुपरस्टार्स अपने ब्रांड पे एक्चुअली में रहेंगे भी। और बेकी लिंच दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई मैं इससे ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि उस समय ऑब्वियसली वो UK में थी और वो कहती हैं स्काई स्पोर्ट्स पे सिर्फ स्मैकडाउन आया करती थी और जो भी मेरे फेवरेट स्टार्स थे जो मंडे नाइट रॉ पे चले गए थे उनको मैं देख नहीं पा रही थी।
और ब्रायन गेविट्स जो कि उस समय हेड राइटर थे मंडे नाइट रॉ के, वो कहते हैं कि ये ओपिनियन बहुत सारे फैंस के अंदर कॉमन था कि वो एक शो देखते हैं और उनके स्टार जब उस पर नहीं है तो वो कह रहे हैं ये शो कैसा हो गया, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्लान था और इस समय WWE को दो रोस्टर्स रखना ही जो है वो अपनी कंपनी का बेस्ट फिक्स लग रहा था। और सेथ रॉलिंस मिस भी बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से बहुत एक्साइटिंग लग रही थी ये चीज़, क्योंकि नए नए सुपरस्टार्स को शाइन करने का मौका मिल रहा था, जैसे एडी गरेरो, रे मिस्टीरियो, एज, जेफ हार्डी, बुकर टी, जो लोग पहले केवल शैडोज में थे और ज़्यादा टीवी टाइम नहीं ले पा रहे थे, अब स्प्लिट रोस्टर्स होने की वजह से उनको भी मौके मिल रहे थे। और दोनों शोज जो हैं वो गाइज इस ब्रांड स्प्लिट के बाद एक काफ़ी अच्छे तरीके से उनको स्टार्ट मिला। लेकिन एक सबसे बड़ा चेंज आया, सबसे शॉकिंग चेंज आया ऑन मंडे नाइट रॉ एपिसोड July 15, 2002, जिसने इस कॉम्पिटिशन को रॉ और स्मैकडाउन के बीच में जो है वो और ज़्यादा रियलिस्टिक बना दिया और इसमें थोड़ी और जो है वो आग लग गई थी। एंड दिस वॉज वेन विंस मैकमैन अनाउंस्ड कि मंडे नाइट रॉ का अगला जनरल मैनेजर और कोई नहीं बल्कि एरिक बिशॉफ होने वाले हैं। और जो पूरी दुनिया है वो मेल्ट डाउन में चली गई, लोग पागल हो गए, क्योंकि क्या किसी ने कभी सोचा था कि विंस मैकमैन का सबसे बड़ा राइवल एरिक बिशॉफ वापस आएगा और वो विंस के लिए ही काम करेगा। और जब मंडे नाइट वॉर्स चल रही थी तो एरिक बिशॉफ वो इंसान था जिसने विंस को हराया था 83 वीक्स तक लगातार, और उस समय विंस मैकमैन जो है वो डेथ भी विश कर रहे थे एरिक बिशॉफ के ऊपर। लेकिन अब ये दोनों बंदे एक साथ काम कर रहे हैं, रेसलिंग के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी। और एरिक बिशॉफ यहाँ पे याद करते हैं कि किस तरीके से उनको कॉल आया विंस मैकमैन का और वो बिल्कुल ही शॉक्ड रह गए, स्टंड रह गए कि आखिर विंस मुझे क्यों कॉल कर रहा है। और विंस ने उनको एक ऑफर दिया कि आके मेरे लिए काम करो। अब वो कहते हैं कि मुझे तो लगा था मेरा रेसलिंग में करियर खत्म हो चुका है क्योंकि मेरा WWE के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं था। और वो कहते हैं कि जब मुझे मौका मिला तो मैंने डेफिनेटली अग्री करा क्योंकि मैं वापस आना चाहता था और रेसलिंग बिजनेस को एक बार फिर से मैं वो चीज़ देना चाहता था जो कि सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। और वो आते हैं, अपना प्रोमो कट करते हैं यहाँ पे और कहते हैं कि मैं ही वो रूथलेस एग्रेशन हूँ जिसकी विंस मैकमैन कुछ हफ्ते पहले बात कर रहे थे और वो अब हम मंडे नाइट रॉ पे डिलीवर करने वाले हैं। तो जबकि फैंस के लिए चीज बहुत शॉकिंग थी, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, बैकस्टेज सुपरस्टार्स के बीच में ये रिएक्शंस जो थे वो काफी मिक्स्ड आ रहे थे। और एरिक बिशॉफ कहते हैं कि मोस्टली जो लोग हैं वो पसंद नहीं कर रहे थे कि वो वापस आ चुके हैं, लेकिन हल्क होगन जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे एरिक बिशॉफ के WCW की वजह से, वो यहाँ पे कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत खुश था जब एरिक बिशॉफ आ गए वापस। और इसी सेम वीक में विंस ने स्मैकडाउन पे ये भी अनाउंस करा कि उस शो की यानी कि रॉ के कॉम्पिटिशन का अब जो जनरल मैनेजर बनने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि उनकी खुद की बेटी स्टेफनी मैकमैन है। और दोनों शोज के ऊपर ये नई अथॉरिटी फिगर्स आने की वजह से और भी रियलिस्टिक लगने लगा ये कॉम्पिटिशन और अब एक्साइटमेंट जो है वो और भी बढ़ने लग गई थी। लेकिन ब्रायन गेविट्स यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से हमने जब पहली बार रोस्टर को स्प्लिट करा हमने बाद में सोचा कि भाई चीज़ें जो हैं वो बैलेंस नहीं लग रही सही से, यानी कि मंडे नाइट रॉ जितनी एंटरटेनिंग होनी चाहिए उतनी बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि एक्चुअली में हम बैठ के इसको एनालाइज कर रहे थे और हमने सोचा कि कुछ ना कुछ चेंज करना ज़रूरी है। और वो याद करते हैं कि किस तरीके से उनकी पॉल हेमन की मीटिंग हुआ करती थी कि भाई अगर मैं तुम्हें सुपरस्टार दे रहा हूँ तो तुम मुझे कौन सा सुपरस्टार दोगे, और ये आपस में जो है वो ट्रेड्स करने की कोशिश करते थे ताकि दोनों के शोज जो है वो वेल बैलेंस्ड आउट हो जाएं। तो जो एक ट्रेड इन्होंने एग्री करी गाइस वो थी द अन अमेरिकन्स, जो उस समय पे एक फैक्शन थी लैंस स्टॉर्म, क्रिश्चियन और टेस्ट की, ये और साथ के साथ क्रिस जेरिको जाएंगे रॉ के ऊपर, क्योंकि ब्रायन गेविट्स कहते हैं उस समय रॉ पे ऐसा कोई बंदा नहीं था जो कोई टॉक शो टाइप होस्ट कर सके, तो जेरिको हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पिक थी। और बदले में पॉल हेमन ने क्या मांगा, वो था सिर्फ एक सुपरस्टार एंड हिज नेम वाज एडी गरेरो। और पॉल हेमन कहते हैं दिस वाज द डील ऑफ द मिलेनियम, क्योंकि किसी बंदे ने भी नहीं सोचा था। और वो कहते हैं कि जब मैंने ये प्रपोजल दिया था तो सारे लोग मीटिंग में हंसने लग गए थे, बंदा क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें चार रेसलर दूंगा तुम मुझे बदले में एक रेसलर दो। मतलब उस समय पॉल हेमन कहते हैं कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर एडी गरेरो की फ्यूचर में क्या वर्थ हो सकती है, और ये स्मैकडाउन के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और साथ के साथ ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेडिंग वगैरह, विंस ऑब्वियसली इसका अप्रूवल दे रहे थे और उनको इस चीज़ में सही लगा कि हाँ भाई चार सुपरस्टार रॉ पे आ रहे हैं, और तभी उन्होंने इसको अप्रूव करा। अब जो अगला बड़ा मूव स्मैकडाउन ने करा वो ये था कि स्टेफनी मैकमैन स्टोरी लाइन में कहती हैं एरिक बिशॉफ को कि मैंने ब्रॉक लेसनर को बहुत ज़्यादा पैसा दिया है और वो WWE चैंपियन है और अब वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली स्मैकडाउन पे ही आ सकते हैं और इसी ब्रांड के ऊपर जो है वो अपना टाइटल डिफेंड कर सकते हैं। तो मंडे नाइट रॉ के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था और डेफिनेटली एरिक बिशॉफ को कुछ ना कुछ करना था ताकि रॉ की जो है वो इज्जत यहाँ पे बच जाए।
और उन्होंने क्या करा, वो अपने पास्ट में गए और WCW की वो बिग गोल्ड बेल्ट को ले आते हैं और रॉ के एपिसोड ऑन September 2, 2002 को वो इस टाइटल को रिवील करते हैं एज द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और इसको सिंपली अवार्ड कर देते हैं ट्रिपल एच को। और ये भी गाइज उस समय पे एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सेगमेंट थी। और इसके बाद हमें विंस मैकमैन की एक मीटिंग दिखाई जाती है जो कि टाउन हॉल मीटिंग थी, यानी कि वो पूरे रोस्टर के साथ बात कर रहे हैं और बेसिकली यहाँ पे वो कहते हैं कि देखो भाई, मुझे पता है कि ये ब्रांड एक्सटेंशन हम पहली बार कर रहे हैं तो अभी कुछ ना कुछ इसके अंदर दिक्कतें हैं, लेकिन मैं तुम्हें एश्योर कर सकता हूँ, प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आने वाले समय में दोनों ब्रांड्स के लिए जो है वो चीज़ बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इस समय दोनों ही शोज़ नए नए टैलेंट्स को शोकेस तो कर रहे थे, लेकिन इंटरनली ये बात अभी भी वैलिड थी कि भाई एक शो दूसरे से बहुत ज़्यादा अच्छा है और मंडे नाइट रॉ को ए शो हमेशा माना जाता था, क्योंकि पहली बात तो वो लाइव था और स्मैकडाउन टेप थी। और ब्रायन गेविट्स कहते हैं कि विंस अभी भी इस बात से मानेंगे नहीं, लेकिन उस समय वो मंडे नाइट रॉ पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे थे और ज़्यादा उसी शो के बारे में सोच रहे थे। और पॉल एमन तो सीधा सीधा कहते हैं कि भाई स्मैकडाउन वॉज रॉज बिच, और उनका गोल था यहाँ पे इस चीज़ को रिवर्स करना, यानी कि रॉ को बी शो बनाना एंड टू मेक मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन बिच। और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही करा गाइस, क्योंकि स्मैकडाउन जो है वो अब एक प्योर रेसलिंग शो बन चुका था जहाँ पे हर हफ्ते हमें कमाल की रेसलिंग देखने को मिल रही थी। सुपरस्टार्स लाइक रे स्टीरियो, एज, एडी गरेरो, ब्रॉक लेसनर, कर्ट एंगल, ये सारे मिलके कमाल के रेसलिंग मैचेस दे रहे थे। और एज यहाँ पे कहते हैं कि बेसिकली उनको स्मैकडाउन पे बहुत ज्यादा फ्रीडम दी जाती थी और हर हफ्ते नए नए कॉम्बिनेशंस, नए नए सुपरस्टार्स के साथ मैचेस, ये सारी चीज़ें जो है वो इस शो को फ्रेश रख रही थी और इसकी वजह से स्मैकडाउन जो है वो एक अच्छा रेसलिंग शो बन चुका था। और दूसरी तरफ अगर हम मंडे नाइट रॉ की बात करें तो वो शो फोकस ज़्यादा कर रहा था उस समय एंटरटेनमेंट पे, क्योंकि उनके पास बड़े सुपरस्टार्स थे लाइक रिक फ्लेयर एंड ट्रिपल एच, उनके पास जेरिको जैसे लोग थे जो प्रोमो कट कर सकते हैं, बुकर टी जैसे लोग थे जो कि कमाल की कॉमेडी कर सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे मिक फोली और रिकोशे दोनों कहते हैं कि भाई हमें मंडे नाइट रॉ उस समय ज्यादा पसंद आती थी। लेकिन एक ऐसा पॉइंट जिस पे हम सब एग्री कर सकते हैं वो ये कि उस समय पे इन दोनों ब्रांड्स की अपनी खुद की आइडेंटिटी बन चुकी थी और क्लियरली ये आपस में कंपीट भी कर रहे थे। इनफैक्ट इन दोनों शोज की कमेंटेटर्स की जो टीम थी, यानी कि एक तरफ टैज और माइकल कोल स्मैकडाउन पे और दूसरी तरफ JR और जेरी लॉलर मंडे नाइट रॉ पे, ये भी आपस में जो है वो वॉर करते थे, मतलब एक दूसरे को कन्फ्रंट भी करते थे और क्लियरली इस चीज को बहुत ज्यादा रियल दिखाया जाता था। और पॉल एमन कहते हैं कि हमें इस टाइप की चीज़ें करनी पड़ती थी, क्योंकि जब तुम एक वॉर में हो तुम कम्पीट करोगे, अगर तुमने कम्पीट नहीं करा देन यू विल लूज द वॉर। तो इस समय चीज़ें बिल्कुल ऐसी चल रही थी कि एक रोस्टर दूसरे को सच में हराना चाहता था, अब चाहे बात रेटिंग्स की हो, लाइव इवेंट के सेल्स की हो या फिर मर्चेंडाइज की सेल्स हो। और बिग शो यहाँ पे कहते हैं कि मंडे नाइट रॉ के लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे कि तुम तो भाई बी शो पे ही बिलोंग करते हो, लेकिन उस समय स्मैकडाउन जो है वो हरा रही थी रॉ को रेटिंग्स में और WWE का जो फ्लैगशिप शो है वो फ्लैगशिप जैसा लग नहीं रहा था। और यहाँ पे केविन ओवेंस और बबा रे डडली दोनों कहते हैं कि हम तो उस समय स्मैकडाउन को प्रेफर किया करते थे क्योंकि उनकी रेसलिंग भी बेटर थी और उनकी स्टोरी लाइन्स भी काफी अच्छी थी। लेकिन गाइस, नो वे आउट 2007 में आफ्टर 9 months अवे फ्रॉम द WWE, द टेक्सस रैटल स्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने अपना रिटर्न करा और वो एरिक बिशॉफ पे यहाँ पे अटैक करते हैं। और ये वो चीज थी जो कि मंडे नाइट रॉ मिस कर रही थी और इतने समय बाद उनको वो चीज मिल गई। और ये होने के बाद एक ऐसा टाइम आ चुका था कि दोनों में से कोई भी शो हम देख के ये नहीं कह सकते थे कि ये वीक है। दोनों की जैसे कि मैंने कहा अलग अलग आइडेंटिटीज थी, कुछ लोगों को एक शो ज्यादा पसंद आता था लेकिन दोनों काफी कमाल कर रहे थे। और इसी की मदद से WWE के पास कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो गई जिससे वो अपनी ब्रांड को ग्लोबली बढ़ा सकें। और उनमें से एक था गाइस ब्रांड एक्सक्लूसिव पेपर व्यूज, और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट थे इंटरनेशनल टूर्स, जो कि अब एक WWE का नहीं हो रहा था बल्कि स्मैकडाउन का अलग लाइव टूर होने लग गया और रॉ का अलग लाइव टूर होता था। और यहाँ पे क्योंकि एक ही दिन उनको अपना टीवी शो सिर्फ करना है तो उसके अलावा उनके पास पूरा हफ्ता बचता था जहाँ पे वो ट्रैवल कर सकते हैं। और जर्मनी, इंग्लैंड, जापान जैसी अलग अलग कंट्रीज में वो गए और उन्होंने टूर करा और अपने ब्रांड को भी ग्लोबली वो एक्सपैंड कर पाए। और क्योंकि WWE को एज अ कंपनी इस समय इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा था, नए लोग उनको देखना शुरू कर रहे थे, तो ऑब्वियसली सुपरस्टार्स का भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फायदा होना था गाइज। और बाय द एंड ऑफ 2003 दोनों ही मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन जो है वो अपने आप में एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स बन चुकी थी। लेकिन अगर इस सक्सेस को सस्टेन करना था तो इन ब्रांड्स को चाहिए था कोई ऐसा लीडर जो कि इस शो पे काफ़ी देर तक बना रहे।
और स्मैकडाउन ने डिसाइड करा कि हम अपना लीडर बनाने वाले हैं एडी गरेरो को, क्योंकि इस बंदे के पास स्किल्स थे ये सब तो लोग जानते थे, लेकिन बैक स्टेज इनको पसंद भी बहुत ज़्यादा किया जाता था और इनको काइंड ऑफ वोट मिल गया था सारे लोगों का कि भाई हाँ यही बंदा हमें लीड करेगा, ऐसा हम देखना चाहते हैं। और अगर हम देखें तो ब्रांड स्प्लिट ही वो चीज़ थी जिसने एडी गरेरो को ये मौका दिया कि वो मिड कार्ड से मेन इवेंट में जा सकें और टाइटल्स जीतने की उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके। और बटिस्टा में यहाँ पे तारीफ में कहते हैं एडी गरेरो की कि उनसे बढ़िया सुपरस्टार मैंने आज तक देखा नहीं जिसका क्राउड के ऊपर ऐसा कंट्रोल हो कि एक पॉइंट पे लोग तुम्हें चीयर कर रहे हैं और अगले पॉइंट पे लोग तुम्हें बू कर रहे हैं। एडी गरेरो के पास इतना ज़्यादा इस चीज़ का टैलेंट था। और जब नो वे आउट 2004 में एडी गरेरो ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया टू बिकम द न्यू WWE चैंपियन, तो लोग उस समय पे बिल्कुल ही पागल हो गए थे। और ये एक ऐसा टाइम आ चुका था कि तुम कुछ भी कर लो एडी गरेरो, लोग तुम पे रिएक्ट करेंगे, ही वॉज दैट गुड। और गाइज उनको तीन वर्ड्स में अगर हमें डिस्क्राइब करना हो तो वो था चीट, लाय एंड स्टील। और बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने करा रेसलमेनिया 20 में जब कर्ट एंगल को भी उन्होंने हरा दिया था और अपना टाइटल रिटेन कर लिया था। तो स्मैकडाउन अब एक ऐसा शो नहीं रहा था सिर्फ जिसको हम अच्छी रेसलिंग के लिए जाने, बट इट बिकेम अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे अलग अलग सुपरस्टार्स को अलग अलग टाइम पे मौके दिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ गाइज एक और बंदा था एंड हिज नेम वॉज JBL, जो कि इतने सालों से एक टैग टीम का पार्ट थे जिसका नाम था APA और वो रॉन सिमंस के साथ लड़ा करते थे, लेकिन अब उनको एक टेक्सस से आया हुआ रिच इंसान की तरह पोर्ट्रे करा जाता है जो कि अपनी खींची हुई लिमोजीन वाली गाड़ी में ट्रैवल करता है। और किसी ने ये बात सोची नहीं थी कि एक ऐसा रेसलर जो कि इतने समय से एक टैग टीम रेसलर है अब वो मेन इवेंटर बन सकता है और काम करेगा एक गिमिक, लेकिन JBL ने करके दिखाया और वो इतने कमाल के हील बन गए कि लोग उनको बू करे बिना रह ही नहीं सकते थे। और JBL पोस्ट ओपिनियन में कहते हैं कि भाई देखो मैं भी ब्रांड स्प्लिट वाले आइडिया को इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और मैं स्मैकडाउन के रोस्टर पर नहीं होता तो उस समय मुझे ये अपॉर्चुनिटी वैसे कभी नहीं मिलने वाली थी। और जबकि एडी गरेरो और JBL जैसे इंसान स्मैकडाउन पे थे, सिमिलरली मंडे नाइट रॉ के ऊपर एवोल्यूशन के थ्रू बिल्ड करे जा रहे थे बटिस्टा एंड रैंडी ऑर्टन, जो कि अपने आप में दो नए मेन इवेंट सुपरस्टार्स थे गाइस। और मंडे नाइट रॉ भी अपनी एंटरटेनमेंट की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे बढ़ाती जा रही थी। और उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी जब रॉ December 6, 2004 को फॉर द फर्स्ट टाइम वी सॉ अ विमेंस मैच मेन इवेंट मंडे नाइट रॉ, और ये था गाइस ट्रिश और लीटा के बीच में। और ये एक एक्सीलेंट मैच था फॉर द विमेंस चैंपियनशिप जहां पे लीटा जीत गई थी। और वो पोस्ट ओपिनियन में कहती हैं कि एक काइंड ऑफ मिक्स्ड फीलिंग थी, वो एक्साइटेड भी थी पर कॉन्फिडेंट भी थी कि हाँ अब हमारी मोमेंट आ चुकी है और उसको हमने बिल्कुल अंडर कंट्रोल करा और एक कमाल की जो हिस्ट्री है यहाँ पे इन दोनों विमेन ने बनाई थी। और साथ के साथ स्मैकडाउन ने भी हिस्ट्री बनाई रेसलमेनिया 21 में जब JBL जो कि पिछले 10 सालों के लॉन्गेस्ट रेनिंग WWE चैंपियन थे, 242 डेज की उनकी रेन थी, उनको हरा दिया जॉन सीना ने जो कि अपने आप में एक अप एंड कमिंग स्टार थे। और वो यहाँ पे गाइस एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मोमेंट थी। और उसके बाद जब 2005 आया उसकी ड्राफ्ट हमें देखने को मिली तो यहाँ पे दो बहुत ही बड़ी पिक्स हुई कि जब वर्ल्ड चैंपियंस ने ही अपना ब्रांड स्विच कर लिया, यानी कि जॉन सीना चले गए मंडे नाइट रॉ पे एंड डेव बटिस्टा शोड अप ऑन स्मैकडाउन। और ये गाइस हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी मोमेंट जानी जाती है। और एज कहते हैं कि स्प्लिट के बिना भी अगर हम ब्रांड स्प्लिट नहीं करते तो बहुत सा टैलेंट है जो कि आगे जाके सक्सेसफुल होता, लेकिन डेफिनेटली इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि ब्रांड स्प्लिट ने उस चीज़ को उस टाइम पे काफ़ी सिंपल बना दिया। और कई सारे नए कॉन्सेप्ट्स भी इस एरा के अंदर इंट्रोड्यूस करे जा रहे थे। और हमें सबसे पहला मनी इन द बैंक कैश इन देखने को मिलता है एट न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन इन 2006 जब एज ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करा था ऑन जॉन सीना। और इस समय गाइस बुकर टी रे मिस्टीरियो जैसे सुपरस्टार्स को मौका मिल रहा था टू बिकम वर्ल्ड चैंपियंस, जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था एंड आई डोंट थिंक कभी पॉसिबल हो पाता अगर रॉ और स्मैकडाउन पे अलग अलग रोस्टर रहते। तो रूथलेस एग्रेशन एरा गाइस एक ऐसी एरा है जो कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड रोस्टर लेकर आई WWE के लिए। कुछ इसके पीछे रीज़न ये भी था कि विंस मैकमैन ने WCW को खरीद लिया, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के शोज हमें देखने को मिले वो इसी एरा के टाइम पे देखने को मिले थे। और WWE को शायद सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ है एज अ कंपनी वो इसी एरा से हुआ है। और जबकि दोनों ब्रांड के रोस्टर्स बिल्कुल अलग थे, क्रिएटिव टीम बिल्कुल अलग थी, एट द एंड हम यही कहेंगे कि ये सारे एक साथ मिलकर काम कर रहे थे ताकि WWE कंपनी जो है वो सक्सेसफुल हो सके और इनके करियर भी जो है वो एक अगले लेवल तक पहुंच सके। तो गाइस इस तरीके से ये एपिसोड नंबर 5 हो जाता है खत्म। और बहुत मजा आया मुझे आप लोगों के साथ ये रूथलेस एग्रेशन की सीरीज कवर करते हुए, लेकिन मैं इसका रिव्यू जो है वो फिलहाल के लिए नहीं करने वाला हूं क्योंकि इसके एंड में एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया जाता है जहां पे
बोला गया कि फॉल ऑफ 2020 में यानी कि इस टाइम के आसपास इस सीरीज में भाई और नए एपिसोड्स ऐड करे जाएंगे और वो एपिसोड्स होंगे रिगार्डिंग एलिमिनेशन चैम्बर, मनी इन द बैंक एंड टफ इनफ एंड मिज और मॉरिसन के ऊपर भी कई सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी जो डीवा सर्च WWE ने करी थी। तो अगर ऐसा है तो ये सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जब भी वो नए एपिसोड लॉन्च होंगे तो हम वापस आके इसी के अंदर ऐड करेंगे। तो अगर आपको एपिसोड नंबर 5 पसंद आया गाइस इसे लाइक करें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक इस सीरीज को देखा है तो गाइस शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि आपको लगता है इंटरेस्टेड रहेंगे इस टाइप के कॉन्टेंट को देखने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।